तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन ग्रुप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे IPL 2024 के 52nd मैच की, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। वह आपको बता दें कि गुजरात और आरसीबी के बीच में एक बार मुकाबला हो चुका है इस IPL सीजन में, जो कि अहमदाबाद में खेला गया था, लेकिन वहां पर शानदार जीत दर्ज की थी आरसीबी की टीम ने। जी हां दोस्तों, गुजरात की टीम को आरसीबी की टीम ने 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी उन्हीं के होम ग्राउंड पर। ऐसे में देखिए 52nd मैच क्योंकि बेंगलोर में होगा, यानी कि आरसीबी के होम ग्राउंड पर होगा, तो क्या यहां पर गुजरात की टीम बदला लेने के लिए उतरेगी, क्या इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी, या फिर एक बार फिर से आरसीबी की टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करेगी गुजरात के खिलाफ। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिच पर खेले गए हैं टोटल मैचेस 159। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 71 मैचेस जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 86 मैचेस में जीत दर्ज की है। दो मुकाबले इस पिच पर टाए रहे हैं। एवरेज स्कोर यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने बनाया है 167 का। हाईएस्ट स्कोर यहां पर रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के नाम, जिन्होंने 3 विकेट पर 287 रन स्कोर किए थे। तो वहीं लोएस्ट स्कोर यहां पर आरसीबी की टीम ने दर्ज किया है 10 विकेट पर 82 का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो स्कोर बिलो 150 बना है 48 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 बना है 35 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 बना है 33 टाइम्स, तो वहीं स्कोर अबव 190 बना है 43 टाइम्स। तो दोस्तों ये तो पिच रिपोर्ट की बात हो गई, लेकिन हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो देखिए 4 बार आईपीएल में इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ है, 2-2 मुकाबले दोनों ही टीम ने अपने नाम किए हैं। अब ऐसे में गुजरात की टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है तो शुभमन गिल किन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे, साथ ही अगर यहां पर फाफ डुप्लेसिस को एक बार फिर से गुजरात के ऊपर जीत दर्ज करनी है तो वो किन 11 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करेंगे, यानी कि दोनों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आईपीएल 2024 के साथ क्रिकेट लाइन गुरु का आईपीएल बुनिंजा भी शुरू हो चुका है, जिसमें हम आपसे पूछते हैं 3 सवाल, जिसके सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं ढेर सारा रियल कैश प्राइज दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में आपसे पूछे जाएंगे मात्र 2 ही सवाल, दोनों के सही आंसर देने पर आप जीत सकते हैं ढेर सारा रियल कैश प्राइज। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे कहीं पर भी किए जा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में, आखिर किन 11 खिलाड़ियों को यहाँ पर फाफ डुप्लेसिस जो है जगह देंगे। तो देखिए यहाँ पर शामिल रह सकते हैं विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, विल जैक्स, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यहां पर महिपाल लैमरोर हमें नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात, लेकिन यहां पर बात करें की प्लेयर्स की, यानी कि कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहां पर आईपीएल बोनेंजा का पहला सवाल पूछ लेती हूं, और वो ये है कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज कौन सा खिलाड़ी मारेगा। तो पहला सवाल आपसे किया जा चुका है, आगे आपसे दूसरा भी सवाल किया जाएगा, वीडियो को गौर से जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं यहां पर आरसीबी के की प्लेयर्स के बारे में। तो देखिए पहला नाम हमने शामिल किया है विराट कोहली का, जिन्होंने 10 मुकाबलों में 500 रन अभी तक बना लिए हैं और 147.49 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। फाफ डुप्लेसिस ने 10 मुकाबलों में 288 रन बनाए हैं 159.11 के स्ट्राइक रेट से। इनके अलावा विल जैक्स का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने देखिए गुजरात के खिलाफ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, 45th मैच में 100 रन की उन्होंने पारी खेली थी, यानी कि शतकीय पारी उन्होंने खेली थी और उनका स्ट्राइक रेट था 243.90 का। गेंदबाजों की अगर बात करें तो देखिए यश दयाल है, जिन्होंने 9 मुकाबलों में 8 विकेट निकाले हैं 9.32 के इकोनॉमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम है यहां पर ग्लेन मैक्सवेल का, जिन्होंने 7 मैचेस में 5 विकेट अपने नाम किए हैं 8.66 के इकोनॉमी रेट से। तो ये तो हो गई आरसीबी की टीम की बात, अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 के बारे में दोस्तों। तो देखिए यहां पर कौन से 11 खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। तो देखिए यहां पर है रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, अजमतुल्ला उमरजाई, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, आर साई किशोर, नूर अहमद और मोहित शर्मा। तो वहीं ऐसा इंपैक्ट प्लेयर यहां पर संदीप वैरियर हमें नजर आ सकते हैं। गुजरात के अगर की प्लेयर्स की बात करें तो देखिए साई सुदर्शन यहां पर शामिल हैं, जिन्होंने 10 मैचेस में 418 रन स्कोर किए हैं 137.71 के स्ट्राइक रेट से। शुभमन गिल की अगर बात करें तो 10 मुकाबलों में उन्होंने 320 रन बनाए हैं 140.96 के स्ट्राइक रेट से। इनके अलावा डेविड मिलर का नाम भी हमने शामिल किया है एज अ बैट्समैन, जिन्होंने 7 मैचेस में 164 रन बनाए हैं 151.8
5 के स्ट्राइक रेट से। अब दोस्तों गेंदबाजों की बात करें उससे पहले आपसे यहां पर मैं दूसरा सवाल भी करना चाहूंगी आईपीएल बोनांजा का, और वो ये है कि इस मुकाबले में आखिर वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर जाएगा। तो दो सवाल आपसे किए जा चुके हैं, दोनों सवालों के नीचे सही जवाब हमें जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं गेंदबाजों की। तो यहां पर मोहित शर्मा को हमने शामिल किया है जिन्होंने 10 मुकाबलों में 10 विकेट चटकाए हैं। इनके अलावा संदीप बैरियर है यहां पर जिन्होंने 4 मुकाबलों में 5 विकेट निकाले हैं 11.37 के इकोनॉमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम है यहां पर राशिद खान का जिन्होंने 10 मैचेस खेलते हुए 8 के इकोनॉमी रेट से 8 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों यहां पर बात हो गई दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, साथ ही की प्लेयर्स के बारे में। अब यहां पर चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। अब देखिए ये मुकाबला बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर होने वाला है। हालांकि यहां पर आरसीबी की टीम के नाम लोएस्ट स्कोर भी दर्ज है, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम को यह फायदा हो सकता है क्योंकि पिछले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था आरसीबी की टीम का। तो कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादा चांसेस आरसीबी की टीम की जीत के नजर आ रहे हैं, यानी कि 60% चांसेस यहां पर आरसीबी की टीम के दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के। तो वहीं 40% चांसेस यहां पर गुजरात की टीम के नजर आ रही है। तो वहीं पिच रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहां पर सेकंड बैटिंग करते हुए टीम जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। वलाक के हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।